तो हेलो गाइस, आ गए हम एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मेरे चैनल टेक्सोनो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाए इजी से इजी तरीका। तो आज मैं बताऊंगा सबसे इजी तरीका पासपोर्ट साइज फोटो बनाने का। वीडियो पर आज तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को मेरे ऑल पे प्रेस जरूर करें ताकि मेरी हर अपडेट्स आपके पास पहुँचे। थैंक यू। तो हेलो गाइस, वेलकम है मेरे चैनल टेक सोनू में। आज मैं बताने वाला हूँ इजी से इजी तरीका पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने का। सबसे इजी तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से मैं इजी तरीका से अपने फ़ोटोज़ को पासपोर्ट साइज में कैसे एडिट करता हूँ। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मेरे लैपटॉप के तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पीएस पे। ये मैं पीएस पे आ गया। पीएस पे आने के बाद आपको एक फ़ोटो चूज़ कर लेना है। ये मैं फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। मान लो मुझे ये फ़ोटो एडिट करना है अपने पासपोर्ट साइज में, तो ये फ़ोटो मैं चूज़ कर लिया। सबसे मुश्किल काम है इसको क्रॉपिंग करना और पीछे बैकग्राउंड को चेंज करना। आपको वही नहीं करना होगा, मैं इतना इजी तरीका बताऊंगा, आपको क्रॉपिंग वाला सिस्टम करना ही नहीं होगा। तो इसको हटा देना है सबसे पहले, ठीक है, हटा दिया। मिनिमाइज़ करके आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। ये मैं क्रोम ब्राउज़र पे आ गया। क्रोम ब्राउज़र पे आकर के आपको सर्च करना है रिमूव बीजी। आपको ये लिख करके सर्च कर देना है। तो ये मैं सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आपको अपलोड इमेज में चले जाना है। ये मैं अपलोड इमेज में चल जाता हूँ। और वही फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। ये देखिए मैं अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये तो आपको क्लिक कर देना है एडिट वाले, या उसके सर के ऊपर दिख रहा होगा, बाल के ऊपर एडिट, एडिट में आपको क्लिक कर देना है। ये मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा, फ़ोटो और कलर। आपको कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। आपको अपने पसंद से कलर बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। आपको वाइट चाहिए तो आप वाइट कलर बैकग्राउंड ले सकते हैं इस तरह से। आपको रेड चाहिए, रेड ले सकते हैं। आपको स्काई ब्लू चाहिए, स्काई ब्लू ले सकते हैं। आपको डार्क ब्लू चाहिए, डार्क ब्लू ले सकते हैं। तो मैं लूँगा स्काई ब्लू को, ठीक है। लेने के बाद आपको डाउनलोड कर देना है इसको। ये मैं डाउनलोड कर लिया, ये मेरे डाउनलोड पे चला गया। डाउनलोड होने के बाद आपको चले जाना है अपने पीएस पे। पीएस पे आने के बाद आपको वही इमेज जो आपने डाउनलोड किया आपको यहाँ पे लाना है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्रॉपिंग कर लेना है। आपको साइज ले लेना है पासपोर्ट साइज का, 3.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर। ये देखिए मैं साइज ले लेता हूँ इसका, ये मैं साइज ले लिया उसका। साइज लेने के बाद हल्का सा आपको जो ठीक लगे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देना है, आपको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, बस बाकी सब परफेक्ट है। अब आपको इस 6-4 सीट पे आपको इस फ़ोटो को निकालना है। तो उसको बैठाना कैसे है मैं बता देता हूँ। तो आपको लेना है, आपको सबसे पहले वो साइज़ लेना है, वो पेज 4x6 वाला पेज आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको न्यू में जाना है। ये देखिए न्यू आ गया। न्यू आने के बाद आपको ये वाला ले लेना है, 4x6 वाला पेज। ये देखिए मेरा 4x6 वाला पेज आ गया। आने के बाद आपको ये फ़ोटो को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट, सी Ctrl+C, कॉपी करने के बाद यहाँ पे Ctrl+V आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको
सबसे पहला काम पेस्ट करने के बाद आपको बॉर्डर ले लेना है, स्ट्रोक, यहाँ देखिए एडिट के बाद स्ट्रोक, स्ट्रोक को 6, 4, 5 आप जितना भी ले सकते हैं। ये मैंने स्ट्रोक ले लिया, ये देखिए स्ट्रोक आ गया, बॉर्डर आ गया। बॉर्डर आने के बाद आपको इसको रोटेट कर देना है फ़ोटो को, इस तरह से रोटेट हो गया। और अल्ट दबा के इसको कॉपी करते जाना है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आपको 6-4 वाले पेज पे 8 कॉपी फोटोज़ बैठ जाएंगे बस। और इसको कंट्रोल प्लस पी करके आपको प्रिंट दे देना है बस, इतना सा काम है। सबसे इस तरह का आपको क्रॉपिंग वाला सिस्टम करना ही नहीं है, ठीक है। इतना इजी तरीके मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को मेरे ऑल पे प्रेस जरूर करें ताकि मेरी हर अपडेट्स आपके पास पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।